दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी अफसर की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी। उसके बाद पुलिस को चकमा देकर वो कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। इससे पहले ताहिर ने एक चैनल से कहा था कि वह निर्दोष है। ताहिर ने कहा कि वह नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। ताहिर के सरेंडर और गिरफ्तारी को लेकर एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। हम आपको पूरी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। अग्रिम जमानत न मिलने पर ताहिर ने अपने वकील की सलाह पर कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला किया। उनके वकील मुकेश कालिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर की याचिका दायर की, जिसके बाद पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए ताहिर हुसैन ने सरेंडर कर दिया। ताहिर के खिलाफ आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। अंकित की हत्या उत्तर पूर्वी दिल्ली में नए नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा के बीच हुई थी। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उसके बाद हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उन्हें निलंबित कर दिया। दिल्ली में हुई हिंसा में कम से कम 42 व्यक्तियों की मौत हो गई और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करने में जुटी हुई है। बुधवार तक 1647 लोग गिरफ्तार और हिरासत में ले लिए गए हैं। हिंसा को लेकर अलग अलग थानों में अब तक 531 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 47 मामले सिर्फ शस्त्र अधिनियम के हैं, जबकि गिरफ्तार होने वाले और हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 1647 है। यहां उल्लेखनीय है कि दिल्ली हिंसा में पिस्टल लहराने वाले और कई राउंड फायरिंग करने वाले शाहरुख को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों के जरिए पुलिस हिंसा के पीछे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही खबरों के ताज़ा तरीन वीडियो अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।